कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्वाचित होकर संविधान सभा पहले दिन दिल्ली के सेंट्रल हॉल में बैठी। ये तय होना था कि उस दिन संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करेगा। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि निर्वाचन करा लिया जाए अध्यक्ष का, लेकिन इस सुझाव को दरकिनार कर दिया गया और पहले दिन के लिए ये फॉर्मूला निकाला गया कि जो व्यक्ति उम्र में सबसे वरिष्ठ होगा वही आज के दिन संविधान सभा की अध्यक्षता करेगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उम्र में सबसे वरिष्ठ थे, इसलिए उनको संविधान सभा की अध्यक्षता का काम सौंपा गया। वो 2 दिन संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, 9 दिसंबर 1946 और 10 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को जिस दिन संविधान सभा दूसरे दिन बैठी मीटिंग में, उस दिन बकायदा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और संविधान सभा के डिसॉल्व होने तक वो उसके अध्यक्ष बने रहे। आपको ये फैक्ट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।